तेलंगाना हाईकोर्ट और कोरोना वायरस की उड़ रही हैं धज्जियां, नहीं हो रही है हाईकोर्ट की हुक्म की तामीर। हाईकोर्ट के हुक्म को रखा गया है बालाए ताक पर। हाईकोर्ट ने पुलिस और जेएसएमसी को ये बात साफ तौर पर कही थी कि कोरोना वायरस को सीरियस लिया जाए। शायद पुराने शहर के पुलिस को ये बात समझ में आ गई और वो सख्ती से इस पर अमल कर रही है और लगातार जगह जगह पर चेकिंग कर रही है, और जो लोग मास्क नहीं पहने हुए हैं उन्हें चालान भी कर रही है और काउंसलिंग भी की जा रही है। क्योंकि शुरुआती दौर में पुराने शहर के काफ़ी लोग कोरोना से मुतासिर हो गए थे और कई लोगों ने अपनों को भी खो दिया था। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि पब्स और क्लब्स पर भी नज़र रखी जाए और उन्हें जल्द बंद भी करवाया जाए। लेकिन हैरत की बात यह है कि वेस्ट जोन आसिफ नगर पुलिस के नाक के नीचे कोरोना वायरस और हाईकोर्ट की धज्जियां उड़ रही हैं। हैरत की बात यह भी है कि बराबर पुलिस उनका साथ भी दे रही है। इस तरह की कई होटल्स वेस्ट जोन में हैं, लेकिन मौसम टैंक्स के पास ये होटल है जो रात भर खुली रहती है और कई नौजवान इस होटल में छुप छुप कर आते हैं, चाय के अलावा गुटखा सिगरेट भी पीते हैं। सारी गाड़ियां सड़क पर नज़र आती हैं, लेकिन पुलिस को ये नज़र नहीं आता किसी एक में भी जो कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल पर अमल किया या हाईकोर्ट की बात का मान रखा हो। ऐसा नज़र नहीं आता, न कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल में मेंटेन किया जा रहा है और न ही हाईकोर्ट की बात रखी जा रही है। इतनी लापरवाही की वजह से कोरोना बुरी तरह फैल सकता है। आसिफ नगर पुलिस को चाहिए कि इस पर सख्ती करें, कोरोना को सारे शहर में फैलने से रोके। पुलिस और होटल के मालिकान की लापरवाही ना करें ताकि शहर को नुकसान ना पहुंचे और दूसरा कोई भी अपनों को ना खोए। साथ ही हाईकोर्ट की भी धज्जियां ना उड़े, क्योंकि जान है तो जहान है और सांस है तो पैसा है। इतनी लापरवाही से कोरोना बुरी तरह फैल सकता है। आसिफ नगर पुलिस को चाहिए कि इस पर सख्ती करे और कोरोना वायरस को सारे शहर में फैलने से रोके। पुलिस और होटल के मालिकान के लापरवाही नए शहर को नुकसान ना पहुंचाए और न कोई दूसरा अपनों को खोए। साथ ही हाईकोर्ट की भी धज्जियां ना उड़े, क्योंकि जान है तो जहान है और सांस है तो पैसा है।